देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन। जब वो फोर्स पहले केस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, जैसे मान लो ये F1 है और एक ब्लॉक है उस पर F2 इधर लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट 10 था। मतलब F1 - F2 की जो वैल्यू थी, F1 - F2 की जो वैल्यू थी वो 10 थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर F1 F2 की वैल्यू 10 थी, इफ़ दिज फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट इज 50। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं, मतलब F1 इधर लगता है और F2 इधर लगता है, परपेंडिकुलर लगते हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो अब उनका रिजल्टेंट जो है वो ऐसे जाएगा और रिजल्टेंट 50 न्यूटन हो गया। मतलब F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, दैट इज 50 का स्क्वायर, ठीक ना। मतलब आ जाएगा 2500। तो F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी आती है, मेडिकल वालों को। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो यार यहाँ से F1 चाहे F2 निकाल के फर्स्ट से सेकेंड में रख दोगे तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट से अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूँ तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + F2, और इसकी वैल्यू मैं सेकेंड में पुट कर देता हूँ, पुट इन सेकेंड। तो अगर मैं सेकेंड में पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 10 + F2 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस यहाँ से F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, 2500, 2500, 2500, ठीक है। अब F2 का यहाँ से स्क्वायर कर दो। अगर मैं यहाँ से F2 का a + b का होल स्क्वायर है तो उसको मैं करता हूँ, तो यह आ जाएगा 100 + F2 का स्क्वायर + ये 20 F2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 250। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ, यहाँ F2 और F2, तो 2F2 है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से तुम देखोगे तो 2F2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 20F2 इज इक्वल टू 2500, यहाँ से -100, तो यहाँ से 2200 यहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो और ज़्यादा इसको सॉल्व करोगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा यहाँ, तो यहाँ मिलेगा F2 स्क्वायर - 10F2 और -1200। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया F2 में, ठीक है। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आई होप कि सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये F2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से देखोगे, यहाँ से और 1200 को तुम लिख सकते हो 40F2 और -30F2 लिख सकते हो, -1200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से F2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से F2 + 40 बचेगा, और -30 कॉमन ले लोगे तो यहाँ F2 + 40 बचेगा, दैट इज मस्ट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से F2 - 30 और यहाँ से F2 + 40, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब F2 की वैल्यू 30 और F2 की वैल्यू -40 आ रही है, दो पॉसिबिलिटी आ गई ये वाली चीज़। तो अगर मुझे मैं देखूँ यहाँ, तो अगर मैं यहाँ दो निगेटिव साइन को अगर मैं इग्नोर करूँ तो यहाँ से F1 - F2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10। तो अगर मैं 30 रखता हूँ F2 की वैल्यू, तो F1 - यहाँ से 30, दैट इज 10, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है ना। तो F1 40 होगा, और F2 जो है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो F2 जो है वो 30 आएगा, F1 40 आएगा। तो 30 और 40 मतलब तुम देखोगे ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर तुम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।